जो लोग कार के अंदर चूहों से बहुत परेशान है फ्रेंड्स, तो उनके लिए आज का वीडियो है। तो गाड़ी के अंदर चूहे कहाँ से घुसते हैं फ्रेंड्स, तो मैन्युफैक्चर द्वारा गाड़ी के आगे एक फ्रेश एयर के लिए वेंट दिया जाता है फ्रेंड्स, वहीं से गाड़ी के अंदर चूहा और कचरा घुसते हैं। तो वहाँ पे हम जाली लगाने वाले, तो वो जाली किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वही मैं आपको दिखाने वाला इस वीडियो में। तो ये फ्रेश और रिफ्रेश एयर का जो ऑप्शंस देती है कंपनी, जब हम वो ऑपरेट करते हैं तो वहीं से गाड़ी के अंदर तो चूहे आते, लेकिन एसी के अंदर भी चले आते। चूहो गाड़ी के अंदर बहुत सारे जगह से आ सकते हैं, लेकिन मेन रास्ता यही है। मयूर मोटर्स बायर गुजरात इंडिया, और ये मारुति सुजुकी बलेनो है, और इस गाड़ी के अंदर चूहों की बहुत दिक्कत है। तो गाड़ी के अंदर चूहे चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एसी का वेंट रहता है फ्रेश और रिफ्रेश एयर का, तो वहाँ पे हम इसका जाली लगाने वाले ताकि चूहे अंदर आ ना सके। तो कैसे इंस्टॉल करने वाले वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाइपर निकालना रहेगा, और ये फाइबर का जो कंसील है वो भी निकालेंगे, और यहाँ पे उसको फिटिंग करने वाले हैं। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो गाड़ी एसी के दौरान हमें यहाँ के फ्रेश और रिफ्रेश का जो वेंट मिलता है, तो एक के अंदर एयर अंदर का अंदर सर्कुलेस होगा और एक के अंदर बाहर का आएगा। तो जो बाहर से एयर आता है वहीं से चूहे चले आते हैं, तो उस जगह पे हम वो जाली वो फिट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आपको दिखाते हैं, ये निकाल लिया फ्रेंड्स, दो तरीके बोल्ट रहते हैं, और ये अभी ये पुश बटन सारे निकालने हैं यहाँ से, और उसके बाद ये कॉर्नर का निकाल लेंगे, ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये चूहों ने काट लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्या चलाई जब टीम एरेन फोर एंड पाइप से सावर का पाइप रहता है, वो निकालना रहता है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे चूहों ने एयर है, और यहीं से जो फ्रेश रिफ्रेश का एयर रहता है वो यहीं से चला जाता है। यहाँ पे जो एयर जाने के लिए जगह दिया है फ्रेंड्स कंपनी, वहीं से चूहा गाड़ी के अंदर एंटर होता है, और यहीं से कचरा गाड़ी के अंदर जाता है। इस जगह पे हम जो ये जाली है वो लगा देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चूहे वो अंदर ना जाए। ये कैसे काम करता है फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं। दबा बटन, तो ये सीधा आपको दिखाई दिया फ्रेंड्स, इसका जो एयर क्लीनर है एसी का वो है। फिर से दबा और एक बार, तो इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये। दबा और दबा, अगर ये फ्रेश मोड के अंदर रहेगा फ्रेंड्स तो सीधा एयर यहाँ से जाएगा फ्रेश मोड के अंदर, तो चूहा भी चला जाएगा। ओके खोल एक बार, गाड़ी बंद कर दे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कार हमने बंद कर लिया है, और जो एसी का जो मोड था बाहर का फ्रेश मोड, तो उसी के अंदर गाड़ी बंद हुआ है। तो अभी ये यहाँ से वेंट ओपन ही है। अगर आप गाड़ी को इस तरीके से पार्क करोगे तो रात के समय गाड़ी पार्किंग के समय चूहा अंदर चला आएगा। अगर गाड़ी को जब भी आप पार्क करो फ्रेंड्स, तो जो फ्रेश मोड है उसको मत रखो, आप अंदर की एयर अंदर ही रखो, वो वेंट को बंद करके रखो, ताकि ये खुला रहेगा तो कचरा अंदर सब कुछ चला आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाली लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों नट हमने निकाली यहाँ से, एक और यहाँ से, तो ये जाली इसके माप की काट ली हमने, अभी इसको बिठाते इसके अंदर। तो जाली फ्रेंड्स हमने लगा ली है परफेक्ट यहाँ पे, आप देख सकते हो दो बोल्ट यहाँ पे, एक स्क्रू और ये बोल्ट है, और ऊपर भी एक स्क्रू लगाया हुआ है। अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि जाली हैवी है, वरना आप यहाँ पे जितने चाहे इतने लगा सकते हो, और ये परफेक्ट अब यहाँ से चूहा आएगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी कार हो तो इस तरीके का काम कर सकते हो आप इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ से फ्रेश और रिफ्रेश एयर का जो वेंट है वो यहाँ पे जो फ्रेश एयर का वेंट रहता है, जब यहाँ से फ्रेश एयर जाएगा तो यहाँ से कचरा भी नहीं जाएगा और चूहा भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो फ्रेश एयर है वो ऐसे का वैसा ही रहेगा, ठीक फ्रेंड्स। ये फ्रेश एयर और रिफ्रेश एयर का जो वेंट है वो यहाँ से काम करता है, आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर का एयर है यहाँ पे,
ये बाहर से एयर आएगा। जब बाहर से एयर आता है फ्रेंड्स तो साथ में कचरा भी आ जाता है फ्रेंड्स। तो अभी जाली लगा दिया है तो कचरा भी नहीं आएगा और चूहा भी नहीं आएगा। गाड़ी जब भी पार्क करो फ्रेंड्स तो आप ये मोड में गाड़ी को रखो। कुछ गाड़ियों के अंदर ऑटो कंपनी देती है, गाड़ी ऑफ करने पे हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। तो ठीक है, रिफ्रेश एयर रखना है हमें जब गाड़ी पार्क करे तो कचरा और चूहा नहीं आएगा साथ में। हमने यहाँ इस जगह पे जाली लगा दी है फ्रेंड्स, तो अब गाड़ी के अंदर चूहों का आने का चांस बहुत कम है। और ये हर कोई गाड़ी के अंदर सफोकेशन के लिए मैन्युफैक्चर द्वारा दी जाती है जगह, और ये जगह के अंदर गाड़ी के अंदर एंटर होते चूहे और एसी के अंदर। तो इस जगह पे आप जाली लगा दोगे तो आपके गाड़ी के अंदर चूहों का आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।